गाइस वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। माय नेम इज अरुण और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि भाई व्यूज इतने ज्यादा आ रहा है लेकिन लाइक्स क्यों कम आ रही है, तो सभी लोगों ने तो बात नहीं सुनी लेकिन 250 लोगों ने बात सुनी है, क्योंकि उस वीडियो को करीबन 1600 व्यू आ चुके हैं और 250 के अराउंड लाइक्स है। तो 250 लोगों ने तो मेरी बात सुन के अपना आधा सेकंड मुझे दे के उस लाइक बटन को प्रेस किया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि जिन्होंने ये वीडियो देखा, लाइक किया और कमेंट किया। ये सारी चीज़ें एक क्रिएटर को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देती है कि वो आगे ऐसे ही मोटिवेटेड रह के वीडियो बनाता रहे। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और आज का जो टॉपिक है वो एक मेजर, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। जो सारी चीज़ें हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया है, देखो मैं जो भी चीज़ बोलता हूँ वो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से या फिर किसी ने मेरे से एक्सपीरियंस शेयर किया होता है और मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों तक पास ऑन करता हूँ। तो हमारी बातें हवाई बातें नहीं होती, सारी बातें एक्सपीरियंस के थ्रू आई हुई होती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए भी इतना ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगा जितना मेरे लिए ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना रहा था। तो लेट्स गेट टू द टॉपिक। और वो पिछले वाले वीडियो का रूल इस वीडियो में भी अप्लाई होता है भाई, कि वीडियो देख ही रहे हो तो लाइक भी कर दो, कुछ नहीं तो कमेंट में एक हार्ट ही बना दो ताकि हमको थोड़ा सा ज़्यादा पुश मिले यूट्यूब के एल्गोरिदम में। तो काफ़ी लोगों के मेरे को यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा मैं 15-20 सेकंड में एक बैकग्राउंड देता हूँ कि जो मेरी यूट्यूब के थ्रू जो फ्रेंड्स बने हैं वो 4 लोग हम इस सैटरडे को मिले थे और 3 घंटे तक काफ़ी हमने डिस्कशन किया। हर एक ने अपना अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और फिर वो सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा करके आज ये वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुँच रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जब वो न्यूजीलैंड आते हैं। सबसे पहला, मैंने काफ़ी कमेंट्स में देखा है कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई न्यूजीलैंड में कैश जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। सबसे पहले तो आप जब स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो 20 आवर्स आप लीगली वर्क कर सकते हो, वो आपकी वीज़ा कंडीशन में लिखा है। तो अभी आप दिमाग वहाँ मत चलाओ कि कैश जॉब मिलती है या नहीं, कैसे कैश जॉब ढूंढे, ये इट्स इनलीगल। तो आप उस डायरेक्शन में ना जाए, ये मेरी सलाह रहेगी आपको। फिर तो भाई जैसे जिसकी सोच और जैसे जिनके कॉन्टैक्ट्स, लेकिन उस डायरेक्शन में फ़िलहाल आपको ना जाना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जब आप स्टडी करोगे ना, तो ये एक एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टडी में असाइनमेंट्स होते हैं, तो काफ़ी आपको ऑनलाइन ऐसी पोस्ट मिलेगी, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि तेरा असाइनमेंट मैं कर देता हूँ फॉर सम अमाउंट ऑफ डॉलर्स। तो उस चीज़ में भी मत पढ़ो, किसी का असाइनमेंट कॉपी मत करो, खुद से असाइनमेंट बनाओ। वो आप जब आपकी स्टडी शुरू होगी तो सारी चीज़ें कॉलेज में भी आपको पता चलेगी कि आपको किसी का असाइनमेंट चोरी नहीं करना है। तो ये जो असाइनमेंट कोई करके दे रहा है पैसे या किसी भी चीज़ के बिहाफ पे, तो उस साइड में मत जाओ, अपना असाइनमेंट खुद से करो। क्योंकि इतना सारा पैसा डाल के हम यहाँ खुद से सीखने के लिए आए हैं, तो वो चीज़ें खुद से ही अप्लाई करनी है तो ज़्यादा सही रहेगी। तीसरी चीज़ है, एक फ्रेंड ने एक्सपीरियंस के थ्रू बताया कि जिन जिन स्टूडेंट्स को आईआरडी में बहुत टाइम लग रहा है, लाइक आप मैन्युअली ऑनलाइन नहीं हो पाता तो मैन्युअली ऑफिस में जाते हो और वहाँ पे अगर नहीं हो पा रहा है तो डबल ए मोटरिंग का जो सर्विस सेंटर्स होते हैं वहाँ पे $10 फीस है आईआरडी की। वो $10 आप पे करके डबल ए से अगर अप्लाई करोगे तो 2-3 स्टूडेंट्स का 2-3 दिन में आया है, तो वो एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो अपने आईआरडी के लिए। फिर फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आके कनाडा की तरह आप उतरते के साथ ही गाड़ी मत बाय करो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्स है वो काफ़ी चीप आपको मिल जाएगी, लेकिन हमें उस डायरेक्शन में भी नहीं जाना है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है, कोई कोई जगह पे कनेक्टिविटी नहीं है, बट स्टिल आप उस पर रिलाई करो, आपको टर्शरी डिस्काउंट भी मिलेगा फेयर्स पे। तो अपना जो बस सर्विस है, ट्रेन सर्विस है, उसका इस्तेमाल करो, आने के वक्त ही एसेट अपना ना बना लो कोई गाड़ी लेके। ओके, देन फोर्थ चीज़ ये है आपकी, ये गाड़ी वाला तो मतलब ये बस ट्रैवलिंग वाला तो हो गया। यस, चौथी चीज़ ये है कि द बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक आप पकड़ो तो उनमें अप्लाई करने का जरिया है आपको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है,
विद इन अ वीक वो आपको गेट बैक करेंगे विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो मेरा ये सजेशन है कि जब आप इंडिया से फ्लाइट, मतलब आपकी एक हफ्ते बाद की फ्लाइट है, तो आप एक हफ्ते पहले से ही वो अप्लाई कर दो बैंक्स में, तीनों बैंक्स ANZ BNZ ASB तीनों बैंक्स में आप अप्लाई कर दो, ताकि होता ये है कि जब तक आप यहाँ पहुँच पाएंगे तब वो एक हफ्ता हो चुका होगा और फिर सीधा आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो ये एक हफ्ते का जो टाइम है वो आप यूटिलाइज करके बचा सकते हो, तो बैंक में आप अप्लीकेशन दे दो। फिर ट्रैवलिंग की बात रहती है तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेशन दिया है कि मेक माई ट्रिप का एक फॉरेक्स कार्ड है, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड थिंग, वो यूज़ करता है, उसने मेरे को बताया और मुझे वो चीज़ सही लगी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि मेक माई ट्रिप का एक फॉरेक्स कार्ड आता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो फॉरेक्स कार्ड में आप INR में डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब इंडियन रुपीज़ में आपने पैसा डाला, फिर पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओ वो फॉरेक्स कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, वो कन्वर्ट कर लेता है अपने अपने हिसाब से, आपको बस INR डालना है और फिर कहीं भी जाओ आप उस फॉरेक्स कार्ड को यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी एक्चुअली मेरे को अभी ट्राई करना वो बाकी है, मैं अप्लाई करूँगा उसके लिए, पर ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी तो मैंने आपको बता दी। और अभी एक फाइनल पॉइंट है जो मेरे दिमाग में आया है, तो किसी और के एक्सपीरियंस के थ्रू आया है, मेरे को उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है और एक्सपीरियंस लेना भी नहीं है। यहाँ पे आके डेटिंग ऐप्स मत डाउनलोड करो, जो इंडिया में स्कैम चल रहा है वो स्कैम यहाँ भी चल रहा है, तो डेटिंग साइट से भी थोड़ा दूर रहो। ये एक जनरल सजेशन था। तो काफ़ी चीज़ें थी कि ये चीज़ें आपको करनी है तो आपकी लाइफ थोड़ी सी मतलब शॉर्ट हो जाएगी। बाकी भाई यहाँ पे हर दिन एक नया एक्सपीरियंस है, तो जितना खुद एक्सपीरियंस करोगे वो आपको उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मैंने भी आके, मैं दो बार गलत बस में चढ़ गया था, तो सिटी सेंटर जाने की बजाय कहीं और सबब में चला गया था, होता है। तो ये एक्सपीरियंस से ही आपको सीखना मिलता है और ये आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा। लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस मैंने इकट्ठा किया था वो सारा आज इन्फॉर्मेशन और टिप्स के थ्रू मैंने एक वीडियो में फ्रेम करके आप लोगों तक पहुँचा दिया है। और भी कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, मैं आंसर करता हूँ, तो जो भी क्वेश्चंस है आप नीचे लिख सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा है, वो मेरा पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, पिन कमेंट भी मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना अपनी चैनल को, हार्ट बना देना कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर किसी दिन ऐसे वीडियो में, बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, माय नेम इज अरुण।